Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we will discuss about energy of recoil electron and kinetic energy of recoil electron in the terms of angle of scattering. तो इस derivation का सीधा सीधा relation है Compton scattering effect से. तो आप फटाफट से playlist में जाकर Compton effect वाली video जरूर देखें. अब देखिए हुआ क्या था. एक था incident photon और एक था electron. इंसिडेंट फोटोन यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ. इलेक्ट्रॉन क्या था? रेस्ट पर था. ठीक है, वाज इन रेस्ट. अब इंसिडेंट फोटोन क्या हुआ था? इस पर आकर हिट किया था. तो जब ये इंसिडेंट फोटोन, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंसिडेंट फोटोन, तो जब इसने हिट किया अपने टारगेट को आके, तो क्या हुआ? स्कैटरिंग हुई और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिकॉइल. तो देखिए एक्स एक्सिस को ध्यान में बताती हूँ. अब सबसे पहले स्कैटरिंग हुई तो ये स्कैटर्ड होकर फोटोन इस तरफ चला गया, यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन. ठीक है, अब फोटोन तो स्कैटर हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो गया. तो इस तरफ को इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखिए स्कैटरिंग हुई तो किसी न किसी एंगल से हुई होगी, रिकॉइल हुआ इलेक्ट्रॉन तो किसी न किसी एंगल से हुआ होगा. तो हम उन्हें कुछ नाम देते थे, जैसे थीटा दे देते इसे और इसे देते थे फाइ. तो थीटा क्या बन गया? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. ठीक है, यहां से पता लग रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग. और फाइ, फाइ क्या बन गया? एंगल ऑफ रिकॉइल, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कितने एंगल से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हुआ. तो बेसिक ये समझ आ जाएगा, तो सारी डेरिवेशन जितने भी है कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड सब समझ आए. बस मेन ये फिगर समझ आनी चाहिए कि उसके बाद ये जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब ये इधर जब भी ये स्कैटर और रिकॉइल हुए तो इनके कंपोनेंट्स बनेंगे साइन कॉस थीटा में, लेकिन अब हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है. तो अब बात करते हैं हमारी एम की, जिसे हमें फाइंड करना है, वो क्या है? एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? जितनी भी पूरे प्रोसेस के दौरान हमें जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है ना, वो किसके इक्वल होती है? डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. किसके? जो इंसिडेंट फोटोन, जो मैंने बताया था ना, जो टारगेट को हिट करता है उसकी एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा ना, वो होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि जब भी वो हिट होता है ना, तो वो अपनी एनर्जी क्या इम्पार्ट कर देता है, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर. तो ठीक है, मतलब इसी वजह से हम इसको इक्वल इक्वेट कर देते हैं. तो होता क्या है ना, जब भी कोई जो इंसिडेंट फोटोन है वो जब इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो वो अपनी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट होगा. एक्साइट होकर वो क्या करेगा? जो उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है उसे छोड़ देगा, लीव कर देगा, और क्या हो जाएगा? वहां से बाहर निकल जाएगा. तो यही से पता चलता है द एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. क्योंकि जब भी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रिकॉइल हो जाएगा. ओके, अब देखिए हम पहले बात करते थे फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, यानी जो हिट किया था वो फोटोन और जिस पर हिट हुआ था वो इलेक्ट्रॉन. लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे फोटोन की. दो तरह के फोटोन, कौन से? एक तो इंसिडेंट फोटोन, दूसरा स्कैटर्ड फोटोन. ठीक है, इंसिडेंट फोटोन कौन सा था? जो यहाँ पर था जिसने अभी हिट कर दिया. स्कैटर्ड फोटोन कौन सा था? जो यहाँ पर स्कैटर्ड हुआ था. ठीक है तो वो सेम ही, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनके जो डायमेंशन है वो अलग अलग है, क्योंकि केस अलग अलग है. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नोटेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले इंसिडेंट फोटोन की बात करें, इंसिडेंट फोटोन यानी ये वाला. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्या होगी? ये तो पिछले आर्टिकल में भी क्या था, दैट इज एच न्यू. अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू है तो जो ये स्कैटर्ड हुआ है इसकी क्या होगी? स्कैटर्ड की. ऑफ कोर्स अब एच तो चेंज नहीं होगा ना, एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू विल कन्वर्ट विद ये डैश, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी. न्यू जो है ना ये वाला, ये हमेशा बड़ा होगा न्यू डैश से, क्योंकि इस टाइम पर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज्यादा थी. अब मुझे बताइए डिक्रीज क्या होगा एनर्जी का? डिक्रीज कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल. तो डिक्रीज इन एनर्जी कैसे निकलेगा? दोनों हमारे पास एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन की भी है और स्कैटर्ड फोटोन की भी है, तो हम क्या करेंगे उसको उसमें से माइनस कर देंगे. तो एच न्यू
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एच न्यू। ठीक है, यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन तो न्यू माइनस न्यू डैश। इसको इक्वेशन वन लेट कर लेंगे क्योंकि आगे जाके हमें यूज करनी है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के केस में देखिए m नॉट c स्क्वायर जो है वो उसका रेस्ट मास होगा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो m c स्क्वायर है वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ कंसिडरेशन है जो हमें दिमाग में रखनी है क्योंकि इन्हीं के बेस पर सारी डेरिवेशन सॉल्व होगी। बेसिकली एम सी स्क्वायर को रिक्वायर एनर्जी लिख सकते हैं, रिक्वायर एनर्जी कितनी एनर्जी के साथ वो रिक्वायर किया था इलेक्ट्रॉन, याद है ना, यहाँ जब ये हिट हुआ था तो इधर स्कैटरिंग हुई थी और इधर को रिक्वायर हुआ था, तो ये बेसिकली एम सी स्क्वायर वही एनर्जी है जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हुआ था। एम नॉट सी स्क्वायर बता दिया रेस्ट मास था इलेक्ट्रॉन का, जब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर पड़ा था ना उसका रेस्ट मास था एम नॉट सी स्क्वायर। तो अब जैसे हमने इसका डिक्रीज निकाला, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन की बात करें ये तो ये जो थी वो फोटोन की बात हो रही थी, अब बात करें हम इलेक्ट्रॉन की तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन तो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर दे दो टू, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अब मेरे पास डिक्रीज इन एनर्जी भी आ गया और ये क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब समझ आया क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखो सारी डेरिवेशन है ना उसकी डेफिनेशन में से निकल रही है। डेफिनेशन क्या थी कि जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो किसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है, उसी के बेस पर ये सारी डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएंगी। तो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम ई के कोई भी एक कॉन्स्टेंट नाम दे दिया ई के। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आएगी, एच म्यू माइनस म्यू डैश, इसके इक्वल आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने बताया था ये इक्वेट कर सकते हैं हम इन्हें। अब कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वही मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ से ना न्यू कॉमन ले लेती हूँ, तो एच न्यू बाहर, अंदर क्या बच जाएगा वन माइनस न्यू डैश बाई न्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ तो न्यू था नहीं ना, न्यू डैश था, तो जब मैंने कॉमन बाहर लिया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सिंपल। अब अब ये बताना चाहिए हमें कि सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ओके, तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, न्यू विल बी सी अपॉन लैम्डा। ओके, अगर सी न्यू अपॉन लैम्डा तो न्यू साइड रहने दो तो सी अपॉन लैम्डा। अब मुझे यहाँ पर न्यू की वैल्यूज पुट करनी है, न्यू है सी अपॉन लैम्डा तो न्यू डैश क्या बन जाएगा, सी अपॉन लैम्डा डैश, सी तो नहीं चेंज होगा ना, सी क्या है कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ लाइट, इट कैन नेवर बी चेंज, तो वैल्यू पुट करते हैं ये बन गया एच न्यू एज इट इज वन माइनस न्यू डैश की जगह क्या रखना है सी बाय लैम्डा डैश, तो सी बाय लैम्डा डैश होल डिवाइड्स न्यू, न्यू क्या है सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर लो, ये बन जाएगा एच न्यू इंटू वन माइनस सी बाय लैम्डा डैश इंटू लैम्डा अपॉन सी, ये बन गया। अब ये सी और सी तो कट जाएगा तो आंसर मेरे पास बन जाएगा एच न्यू वन माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ई के, ई के इज अब काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। तो अब हम इसे थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, मतलब ये फाइनल मैंने इसलिए कहा कि यहाँ तक अब हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ अंदर ही उसके उसके टर्म्स के साथ ही छेड़छाड़ करनी है, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो एच न्यू विल बी, अब ये अंदर मैं एलसीएम ले लेती हूँ, नीचे है लैम्डा डैश वन माइनस, तो ऊपर क्या बनेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब इज समथिंग, ये लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा वो, कोई भी चेंज है तो मैं उसको लिख सकती हूँ डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज डेल्टा डैश माइनस माइनस लैम्डा। ओके, दिस कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डेल्टा लैम्डा ना, बिकॉज एक्स डैश माइनस एक्स इज ऑलवेज डी एक्स, कोई भी चेंज हो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ई के का एक्सप्रेशन विल बी एच न्यू अपॉन इंटू डेल्टा लैम्डा अपॉन। अब देखिए ये लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश को मैं एज इट इज तो लिखूंगी ना, तो यहाँ से मैं लैम्डा डैश की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यहाँ से लैम्डा डैश आ जाएगा मेरे पास डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा डैश की, क्योंकि देखो ऊपर में अगर लैम्डा में है तो नीचे लैम्डा डैश रख के मुझे क्या करना है,
दोनों एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए तभी डेरिवेशन सॉल्व होगी. तो मैंने लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा एफ की टर्म में निकाल ली, तो ये बन गया डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा. ओके, यहीं से निकली है सारी वैल्यूज. अब आपको याद होगा, जरा ध्यान से सोचना कि डेल्टा लैम्डा है क्या असली में. ये तो चलो मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में बताया कि ये चेंज है, लेकिन बेसिकली जब हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था तब मैंने बताया था कि डेल्टा लैम्डा होता है कॉम्पटन शिफ्ट. याद है उसकी वैल्यू क्या होती है कॉम्पटन शिफ्ट की? डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. आया याद? अब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन, इसकी वैल्यूज में पुट कर देंगे. ये कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट पता है ना, जब वेवलेंथ शिफ्ट करी तो द डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट. तो हम फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ई के विल बी इक्वल टू एच न्यू एज इट इज, अंदर क्या है डेल्टा लैम्डा एज इट इज वैल्यू आ गई एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज. अब ये होल डिवाइड किसके साथ होगा? डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा. तो डेल्टा लैम्डा फिर मैं यहीं से पुट करती हूँ, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, साथ में प्लस हो रहा है लैम्डा. अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर अकेला ही लैम्डा है, कुछ भी और मतलब लैम्डा कहीं दिख नहीं रहा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, मैं लैम्डा को ही ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या होगा ये वाला लैम्डा एटलीस्ट हमारे पास खत्म हो जाएगा. तो डिवाइडिंग लैम्डा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा हमारे पास एच न्यू, ऊपर तो कोई लैम्डा है नहीं तो एज इट इज ही डिवाइड हो जाएगा एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज. नीचे बात करें तो यहाँ पर बन जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1. यहाँ 1 बनाने के लिए पूरा डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा, लैम्डा अपॉन लैम्डा इज 1, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा. अब देखिए ये सारी क्वेश्चन ना अब तक हॉटस्पॉट सी हो गई है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एजम्पशन ले लेती हूँ, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशंस. तो यहाँ पर मैं एजम्पशन लेती हूँ कि अल्फा को मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ एच अपॉन एम नॉट सी लैम्डा, ये मैं अल्फा डिनोट कर देती हूँ सारी. इससे क्या होगा ना, इक्वेशन को सॉल्व करने में ईजीनेस होगी. ठीक है, सो दिस विल ई के विल बिकम एच न्यू इंटू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1. देन सिंपल, इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, ई के विल बी एच न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अभी थोड़ा सिमेट्रिकल इक्वेशन लग रही है ना. सो दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. अब ध्यान से देखना ये इक्वेशन क्या है, एच न्यू अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अभी थीटा क्या था? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. अभी पूरी इक्वेशन ना थीटा पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे. थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग. तो बेसिकली आई कैन से दैट दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ स्कैटर्ड, इन द टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन. सो बेसिकली दो क्वेश्चंस का एक आंसर. अब मैंने आपको कहा था कि ये जो इक्वेशन है वो थीटा पर वेरी करती है. अब कैसे करती है मैं ये भी बता देती हूँ. जैसे सब केसेस एक तरह से, अगर मैं थीटा को जीरो लेकर चलूँ, फॉर सपोज कि जो मेरा थीटा है एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग है वो जीरो ही है, या कुछ भी लेकर हम चल सकते हैं, कॉस की जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी हमें वो देखना है. सबसे फर्स्ट केस में देखते हैं थीटा अगर जीरो डिग्री हो. ओके, तो मैं अगर वैल्यू पुट करूँ, ये थी ई के, ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस 0 डिग्री. ओके, अपॉन क्या है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस 0 डिग्री. ओके, अब देखिए कॉस 0 वी ऑल नो इज 1, सो दिस विल बिकम एच न्यू अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस 1. अब ये तो गया 0, 1 माइनस 1 इज 0, होल डिवाइड 0, तो ई के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास
0. So when theta is 0, the kinetic energy is always 0. Depend करी ना? यही से पता चल रहा theta पे depend करी है. दूसरा केस ले लो. दूसरे केस में हम theta की वैल्यू ले लेते हैं 90 degree. कुछ नहीं करना, बस वही उसी तरह से expressions put करने. So theta is equals to 90 degree. यानी pi by 2 कुछ भी नहीं. तो ek की वैल्यू क्या बनेगी? h nu alpha 1 minus cos pi by 2 upon 1 plus alpha 1 minus cos pi by 2. अब cos pi by 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 degree. तो अब यहाँ पर cos pi by 2 की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ek will become h nu alpha 1 minus 0. ओके, cos pi by 2 is 0 upon 1 plus alpha 1 minus 0. तो ये क्या बन गया? ek, मतलब मेरे पास कोई वैल्यू आ गई ना, ek की वैल्यू आ गई h nu alpha upon 1 plus alpha. So this is the value when theta is equals to 90 degree. तो हमने ये देखा कि जब 0 पर 0 पुट की तो ये आई, 90 पुट करी तो ये आई. इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करती है? इस theta पर डिपेंड करती है. ओके, सो ये प्रूफ था जो मैंने आपको बताया, मेरी बात का प्रूफ था कि ये किस तरह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करती है. सो दैट वाज द एंड ऑफ वीडियो. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें.